की राजधानी होने के कारण तकलीफ भी होती है और तकलीफ को दूर करना ये हम सबका कर्तव्य भी है, लेकिन थोड़ी तकलीफ होने पे उसकी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, ये भी हमको थोड़ा सा चिंता करने का विषय है। और इसलिए हम कहीं पर भी लैक्सिटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इस विषय को पूरी गंभीरता से इसको हैंडल करना और इसके ऊपर जितनी गंभीरता से सख्ती करना आवश्यक है। तो मैंने उनको पूरे दिवाली तक के जो स्टैटिस्टिक्स थे उसमें जो गुड डेज और सेवर डेज और बैड डेज और मॉडरेट डेज और उन सबका पूरा एनालिसिस करके उनको मैंने इन्वाइट किया था कि हमारे अच्छे वाले दिन जो थे वो कितने कितने परसेंट पिछले साल के मुकाबले बेटर रहे और जो खराब वाले दिन हैं वो पिछले साल के मुकाबले कितने कम रहे। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि पिछले महीने एक ऐसा पीरियड आया सेकेंड वीक के आसपास जब आप सबसे चर्चा करके हम आने वाले 2018 के लिए पहले ही दिन से क्या क्या चीज़ें हम मतलब इवेल्युएट करके कि क्या हमको लगता है कि स्ट्रेटमेंट करने की जरूरत है, वो हम अभी से रणनीति के ऊपर भी थोड़ा सा वर्कअप करें, हम साइंटिफिक सॉल्यूशन भी कैसे निकाल पाए और बाकी दूसरे तरीके जो है उनका कैसे इस्तेमाल कर सके। पिछले समय में हमने यहाँ से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगभग 42 टीम्स को दिल्ली और NCR के अंदर 1 सितंबर ऑनवर्स लगातार हमारे ऑफिसर्स की टीम्स वो दिल्ली में और NCR में जगह जगह जाती है, वहाँ पे साइट पर जाकर उसमें खासकर उन एरियाज को फोकस करती है जो कि मोन जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, इनका एयर क्वालिटी लेवल खराब रहता है और देयर आर मल्टीपल इनहेरेंट फैक्टर्स। तो साथ साथ हम लोग उसको वहीं पे एक्शन भी एडवाइस करते हैं, साथ में जो दिल्ली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के उनको भी साथ साथ इंफॉर्मेशन करते हैं। अभी जनवरी के महीने में कोई 10-20 दिन हम ऐसा फिक्स करें कि जब भले ही क्राइसिस नहीं है और एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब भी ना हो, हम उस समय उस पीरियड के अंदर जितने भी एक्शंस हैं उनको एक बार सब मिलकर पूरे आपस के अच्छे कोऑर्डिनेशन और समन्वय से और इस भावना से कि इसके अंदर ये कोई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या किसी पर्टिकुलर लीडर का या किसी पर्टिकुलर व्यवस्था का विषय नहीं है, ये कोई खाली पॉल्यूशन कंट्रोल का विषय नहीं है, ये खाली दिल्ली का है तो ये हम कहें दिल्ली गवर्नमेंट का विषय है या हरियाणा में क्रॉप बंद हो रहा है तो खाली हरियाणा का विषय है, ये सबके जिनमें जो चीज़ें हैं। अब इसमें एक मार्च में वो मास्क लगा लेते तो सबकी बर्नामी हो जाती है, वो पूरे अभी मैं कॉफी मीटिंग में गया बॉर्ड में तो वहाँ भी हर आदमी जो है उनको पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन टॉप अबाउट दिस अभी नैरोबी के अंदर दूसरा मीटिंग हुआ एनवायरनमेंट का, वहाँ तो फोकस भी है पॉल्यूशन का था वहाँ पर भी। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि इसके कारण अनफॉर्चुनेटली देश की हमारे बदनामी होती है और कभी कभी टूरिज्म मिनिस्टर भी हमको फोन करते रहते हैं कि भाई टूरिज़म पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सच्चाई से जो है वो परसेप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ग्राउंड पे एक्चुअल जो पोजिशन है उसके मुकाबले परसेप्शन क्या बन जाए। बीच में उस समय साइंटिफिकली इंटरव्यू दिया, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही एंटी सर्जर पीपल, तो वो खाली ये कहना भी कि साहब टू स्प्रेड पैनिक ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और ऐसे मत करिए कि भाई ये जरा सा एयर क्वालिटी ठीक होगी तो लाखों करोड़ों लोग एकदम मरने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब पैनिक वॉज बीइंग स्प्रेड लाइक दिस। हमने भी उस पर एक्सप्लेन किया तो हमारे को भी लोग कहते थे कि आप जो है अंडर प्ले कर रहे हो, वट एवर आई सेड और रिकॉर्ड साइंटिफिक परफेक्टली। आज यहाँ पे सभी बड़े निर्णय होंगे और फिर उसको हम पूरी लगन के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे,
दिल्ली के स्तर पे, चूंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि पोल्यूशन तो हर जगह है, लेकिन सारे मीडिया का, दिल्ली देश की राजधानी है और सारी दुनिया का फोकस दिल्ली के पोल्यूशन पे सबसे ज़्यादा रहता है, और उसमें दिल्ली के का भी कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में और आसपास का भी कई सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। जितना दिल्ली के कंट्रोल में है वो सब करने के लिए हम पूरी तरह से वी आर कमिटेड, और उसमें हम किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। और पिछले साल दो साल में जब जब ऐसी ज़रूरत पड़ी, सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी, वो कदम भी उठाए गए, लेकिन इसमें सब लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये मीटिंग हो रही है। बस एक चीज़ जो आपने कहा कि जनवरी के महीने में जो 15 दिन का मॉक ड्रिल करने वाला, हाँ नहीं अच्छा सजेशन है सर। मेरा सुझाव ये है कि इसमें कई सारे चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, तो कई सारी तैयारियां मुझे लगता नहीं कि हम जनवरी तक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए पूरे दिल्ली की वैक्यूम क्लीनिंग करनी है, सबसे ज़्यादा डस्ट, अगर मतलब दो किस्म का पोल्यूशन मैं मानता हूँ दिल्ली में, एक जो पोल्यूशन बाहर से आ रहा है मान लीजिए क्रॉप बर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एक जो दिल्ली का पोल्यूशन है। दिल्ली के पोल्यूशन में मेजर पोर्शन ट्रांसपोर्ट का और डस्ट का है, और ट्रांसपोर्ट का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनने से रात का जो ट्रकों का भार है वो निकल जाएगा, लेकिन जो डस्ट का है वो तभी हो पाएगा जब हम वैक्यूम क्लीनिंग और उसकी स्प्रिंकलिंग कर पाएँ। वो मशीनें खरीदने की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा पोस्टपोन कुछ महीने बाद कर लेते हैं, एंड वी शुड बी एबल टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स कि मॉक ड्रिल के पहले इतना था और अब मॉक ड्रिल करने से इतना हो गया, ताकि वो आगे काम आ सके। एक तो ये, दूसरा डॉक्टर साहब से मेरी एक निवेदन है कि अगर आपकी मिनिस्ट्री की, अभी जब भी हम बेस लाइन करते हैं तो एक IIT कानपुर की स्टडी सब लोग रेफर करते हैं, जो कि कई साल पहले हुई थी और एक छोटे स्पैन ऑफ पीरियड में हुई थी, और पूरे साल के अंदर पोल्यूशन का कारण भी अलग अलग होते रहते हैं, मौसम भी अलग अलग होता रहता है। तो अगर एक और स्टडी हम लोग इंस्टीट्यूट कर सकें विच इज़ थ्रू आउट द ईयर, विच टेल्स अस कि जुलाई के महीने में ये फैक्टर्स होते हैं, अगस्त के महीने में ये फैक्टर्स होते हैं, राउंड द ईयर अगर एक स्टडी हो सके डेली की, तो वो हमें फिर आगे के लिए बेंचमार्किंग के लिए और उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा।